गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। माय नेम इज सोलंकी सारिकाबेन नानू, आई एम फ्रॉम गोगला। सबसे पहले तो मैंने एचएससी के बाद पीटीसी किया है और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एमए बीएड कंप्लीट किया है। ट्रिपल सी का कोर्स भी मैंने कंप्लीट किया है और डिप्लोमा इन योगा का कोर्स भी मैंने पूर्ण किया है। सबसे पहले मैं 2004 से लेकर 2006 तक, यानी कि 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूल गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जॉब किया। उसके बाद 2007 में मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गई। सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 दीव गुजराती मीडियम में हुई। वहाँ पर मैंने 10 ईयर कंप्लीट किया। वहाँ पर मैंने 10 ईयर बच्चों को पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2018 में मेरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई। तो 2018 से लेकर आज तक मैं वहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट स्कूल में मुझे 13 ईयर, यानी कि टोटल मिलाकर मुझे 15 ईयर का बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे जिले का नाम दीव है और दीव एक आइलैंड है, यानी कि टापू। और मेरे दीव जिले में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, देखने लायक स्थल है, दर्शन करने लायक स्थल है, घूमने लायक स्थल है, जैसे कि पानी कोठा, किला, चर्च, म्यूजियम, समर हाउस, जलंधर बीच, गोमती माता बीच, नागवा बीच, गंगेश्वर बीच, बहुत सारे स्थल आए हुए हैं। हर साल मेरे जिले में पर्यटकों की भीड़ होती है। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता इंग्लिश मीडियम स्कूल वणाकबरा है। और यह विद्यालय में मैं अपना फर्ज एक निष्ठापूर्वक शिक्षिका के रूप में अदा कर रही हूँ। मेरी स्कूल में टोटल मिलाकर 335 बच्चे पढ़ने आते हैं और सभी बच्चे प्रॉपर वणाकबरा से ही पढ़ने आते हैं। यहाँ मेरी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मेरी समस्या थी कि बच्चे रूरल एरिया में रहने की वजह से ज़्यादा अंग्रेजी समझ नहीं पाते थे। तो मेरे सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में और समझने में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो कभी कभी मैं बच्चों को हिंदी में समझाती थी, और जिस बच्चे को हिंदी भी समझ में नहीं आती थी तो बच्चे जो लैंग्वेज समझते थे, जैसे कि गुजराती में, तो मैं बच्चों को गुजराती में भी समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट समझने में और पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती थी। मैं यहाँ पर बच्चों को नए नए आइडियाज़ TLM के ज़रिए भी बहुत सारे बच्चों को गतिविधियाँ प्रयुक्तियाँ के दौरान भी बच्चों को अंग्रेजी समझाती थी, पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती थी। जब से मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI, यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना खर्च किए बहुत सारे नवाचार, यानी के आइडियाज़ किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने के तरीकों में बहुत ही अच्छी तरह से सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में मुझे अपने अलग अलग विभिन्न गतिविधियों के आधार पर, जैसे कि रोल प्ले, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्शन विथ राइम्स, स्टोरी टेलिंग, चित्र कार्ड, ग्रिड गेम के जरिए बच्चों को कैसे अच्छी तरह से सिखाया जाए, और मैंने
बहुत अच्छी तरह से यह भी सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को फायदा हो और सभी बच्चे एक्टिविटी बेस लर्निंग के जरिए यानी कि गम्मत के साथ ज्ञान खेल खेल के माध्यम के साथ ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके अलावा प्रशिक्षण में मुझे बहुत फायदा यह हुआ कि मेरे दिमाग में जो गतिविधियाँ चल रही थी उसे में बहुत सारे आइडियाज थी, उसे में ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई और वेबिनार के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सारे नए नए तरीके सीखे, जैसे कि नई नई प्रयुक्तियाँ, नई नई प्रविधियाँ और चित्र के माध्यम से बच्चों को इजीली तरीके से कैसे सिखाया जाए यह हमने बहुत अच्छी तरह से समझा और सीखा। और अभी हम ऑनलाइन यानी कि कोविड-19 के दौरान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ZII EI का कार्यक्रम हमारी स्कूल में बहुत पहले से ही चल रहा है, तब से हमारे स्कूल के सभी बच्चों को बहुत ही फायदा हुआ है और मुझे बहुत गर्व की बात है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे वह बच्चे भी आज ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगे हैं और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की वजह से आज ऑनलाइन अटेंडेंस में भी बहुत ही बढ़ाव हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों के जरिए बहुत सारी आइडियाज के जरिए बच्चे पढ़ने लगे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मुझे खुशी है कि इस काम को इजीली तरीके से करने में मुझे ZII EI के प्रशिक्षक श्री विवेक श्रीवास्तव सर ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की, इसलिए मैं विवेक श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यह बात की है कि मैंने अपने बहुत सारे आइडिया साझा किए थे तो विवेक श्रीवास्तव सर ने मेरी आइडिया में थोड़ा सुधार लाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया और मुझे गर्व है कि आइडिया बनाने में मुझे कहाँ पर दिक्कत होती थी और अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है और मैं अब आराम से और सरलता से कोई भी सब्जेक्ट के आइडिया नवाचार बना लेती हूँ और बच्चों को ऑनलाइन अलग अलग आइडिया गतिविधियों के जरिए कोई भी सब्जेक्ट को मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अब मेरे बच्चे आराम से और सरलता से सीखते हैं। इसके अलावा ZII EI ने एक ई एग्जीबिशन का आयोजन किया हुआ था, उसमें 6 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया था तो हमारे स्कूल का 2nd नंबर आया था और मुझे खुशी यह बात की है कि हमारा 2nd नंबर आया तो सभी टीचर्स को सर्टिफिकेट दिया गया और प्राइज भी दिया गया, क्योंकि हमारे स्कूल पहले से ही रोल मॉडल स्कूल है। इसके बाद मुझे पहले समस्या होती थी कि मैंने समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया। जब से ZII की ट्रेनिंग शुरू हुई तब से ऑनलाइन बच्चों को इजीली यानी कि सरलता से कैसे पढ़ाया जाए और जो दिक्कत होती थी ऑनलाइन पढ़ाने में वह दिक्कत अब नहीं हो रही है और मैं बच्चों को नई नई आइडियाज़ नवाचार के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच पर मुझे अपना मंतव्य प्रदान करने के लिए मुझे बहुत बढ़िया मौका दिया, इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक और श्री विवेक श्रीवास्तव सर को खूब खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।